हेलो एवरीवन वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी सेब चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग गुड इवनिंग वरी ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गाइस सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग चलो स्टार्ट करें ऑल ऑफ यू सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है नमस्ते गुड इवनिंग वेरी वेरी नमस्ते गुड इवनिंग चलो शुरू करें क्लास को तो आज का सेशन होने वाला है इतने दिनों से हम लोग जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं जो भी अपने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं उसका पूरा रिवीजन आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेक्शन को एक बार बढ़िया तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए ओके उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं है ना चलो शुरू करें चले और अब आप लोगों के एजम्पन्स अगर खत्म हो गए हो तो हम लोग क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं ना बहुत अब एजम्पन्स लगाते हो तुम लोग और वो भी कितने बेकार लगाते हो थोड़ा अच्छे लगाया करो दिमाग वाले अजम्पन है ना बहुत ही बेकार घटिया वाले अजम्पन्स लगाते हो तुम लोग चलिए एवरी स्टार्ट करते हैं ये क्लासेस का समय मैं आपको बता दू सुबह का है दस बजे का शाम का है नौ बजे का डेली टॉपिक वाइज ओके सुबह में दस बजे शाम में नौ बजे टॉपिक वाइज हम लोग बात करें तो ओके उसके बाद अगर हम लोग बात करें एवरीवन तो यहाँ पर डेली फ्री लाइव सेशन देखो अब अच्छे से चल रहे हैं एक दो दिन और आप लोग का जो इंटरफेस है अन अकेडमी का वो बिल्कुल उस पर काम चल रहा है वो सही किया जा रहा है ठीक है ओके सो अगर हम बात करें डेली फ्री सेशंस आप अन अकेडमी पे कर सकते हो मेरे साथ सुबह में साढ़े दस बजे के टाइमिंग पे शाम में ग्यारह ग्यारह बजे सुबह बारह बजे ये सारे आपके डेली फ्री सेशंस चल रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं है ना पर डेली फ्री लाइव आप लोग यहाँ पर मेरे साथ क्लासेस कर सकते हो आ, कल से और भी करोगे अगर आप लोग का नेट अच्छा है नेट स्ट्रॉन्ग है देन आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लासेस करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही हैं सभी की कोई इशू नहीं आ रहा क्लास में ठीक है चलिए स्टार्ट करें एवरीवन रेडी है ऑल ऑफ यू रेडी एक बार रेडी वाला कमेंट कर दो स्टार्ट करते हैं चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग चलो YouTube बेस्ट है बिल्कुल ऑफ कोर्स YouTube बेस्ट है लेकिन भैया YouTube में ना हमारी स्पीड तो नहीं बढ़ती ना हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग में स्पीड की जरूरत है और जो कि YouTube से नहीं हो पाता है इसीलिए हम लोग अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस करते हैं ताकि पोल टेस्ट के थ्रू हमारी स्पीड बढ़े यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपना नॉलेज इंप्रूव करते हैं बट थोड़ा स्पीड के लिए हमें यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा ठीक है चलिए अभी स्टार्ट करें हम लोग चलो बाकी का जो बात है वो स्टार्ट करते हैं बाकी की बातें बाद में करेंगे लास्ट में, लास्ट के पांच मिनट बातचीत वाला सेशन रखेंगे ठीक है अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर करते हैं पहला सवाल है जल्दी से बताइएगा चार सौ बत्तीस अलग है यहाँ पे कैसे बताओ भाई अभी बताइए भाई यहाँ पे देखो यार सबको आप लोग करो ना सबको ऐड करके देखो नंबर्स का जब भी क्वेश्चन आए ना सबसे पहले आप लोग ऐड करके ही देखा करो नंबर्स का अगर कोई भी सवाल आ रहा है सबसे पहले जोड़कर देखो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे ना तो सभी का एडिशन सेम आ रहा है कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर चौथे वाले को छोड़कर फोर्थ वाले का एडिशन ट्वेंटी नहीं आ रहा है ठीक है ना आगे चलते हैं भाई चलो इस वाले में ट्राइंगल्स काउंटिंग कल ही पढ़ाया मैंने आपको तो आप लोग यहाँ पे फटाफट फट, फट से बता दो कितने ट्राइंगल्स होंगे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना क्योंकि कल ही हमने ट्राइंगल्स पढ़ा है तो बता सकते हैं इसमें तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आने चाहिए यहां पे इस फिगर में चलो हो गया बताइएगा भाई इसमें अग्निवीर के लिए इसी क्लास को कर सकते हैं बहुत आराम से ठीक है ये जो हमारा क्लास है ना नाइन पी डेली होता है टॉपिक वाइज आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो एस के लिए रेलवे एग्जाम्स के लिए यूपी पुलिस के लिए अग्निवीर के लिए अलग से बैच नहीं होता इसी क्लास को आप करिएगा ठीक है चलिए बन गया क्या एक बात बताओ जितने अप साइड पर है उतने ही डाउन साइड पर तो है ना यहाँ पे ट्राइंगल्स इतना तो हमें पता है ना कि जितने यहाँ पे अप साइड पर ट्राइंगल्स है उतने ही डाउन साइड पर भी है तो हम लोग देख लेते हैं कितने आएंगे देखिए भाई यहाँ पर है आपके पास तीन तीन के बाद एक ही वाला एक ही वाला पांच हो गए पांच के बाद आपका छ आ रहा है और छह के बाद एक सातवा भी आ रहा है भाई देखो ना नीचे तक जाओ पूरा कंप्लीट करो उसको आप लोग आधा अधूरा कर रहे हो पूरा कंप्लीट करो तभी तो बनेगा ठीक है अगर सात ऊपर है तो सात नीचे भी तो होगा है ना तो फिर इसमें फाइनली हमें फोर्टीन मिलेंगे ठीक है चौदह एक बार और ट्राई करें फिर से देखते हैं देखो सबसे पहले आप लोग को यहां मिलेगा यहाँ पे थ्री ट्राइंगल्स मिलेंगे ठीक है यहां पर एक मिलेगा यहां पर एक पांच मिल गए पांच के बाद छठवा और ये सातवा सात ऊपर सात नीचे यानी कि फोर्टीन ट्राइंगल सोलह ज्यादा हो गया सोलह नहीं है चौदह ही है ठीक है चले आ, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आपको जल्दी से कि यहां पे क्या बनेगा चेक करें एक बार गुड इवनिंग हो गया देखिए यहां पे चार आ रहे हैं ना काफी छोटी संख्या है तो उसके लिए हम लोग डिजिटल सम करके देख सकते हैं सम करके देख सकते हैं। काफी बार बताया कि एड आप करके देख सकते हो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे एड किया ना आप लोगों ने सभी को फाइव प्लस एट प्लस वन प्लस टू बराबर हो गया सोलह सोलह का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फोर आएगा ठीक है स्क्वायर रूट आ रहा है स्क्वायर रूट सीधी सी बात है यहाँ पे है ना चलो इसको बताइएगा भाई थ्री प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस सिक्स बराबर अगर हम बात करें ट्वेंटी फाइव आया ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट निकाल दिया यानी जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया ठीक है तो यहां पे भी आप लोग का कितना आ रहा है भाई जोड़कर नो आ रहा है नो का स्क्वायर रूट थ्री होता है तो ऑप्शन में हमारे पास थ्री है वैसे भी है ना तो यहां पर हमारे पास थ्री आंसर होगा ठीक है थ्री पे टिक कर सकते हैं चलो ये वाला बताओ भाई चलो बन गया यार एक बात बताओ यहां पर तेरा जुड़ रहे हैं ना है कि नहीं हमने एनालॉगी के मतलब हजार से भी ज्यादा सवाल किए है ना बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेरह जुड़ रहे हैं जोड़ने वाला लॉजिक हम लगा सकते हैं तो 430 में भी अगर तेरह जुड़ना चाहिए तो फिर वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है हाँ हाँ ये देखो तेरह नहीं तो बारह ही सही है ना बारह जोड़ दिया तेरह नहीं तो बारह जोड़ देते क्या फर्क पड़ता है ऐसे थोड़ी ना होती है रीजनिंग कुछ भी लगा रहे हो तुम लोग गलत हो रहा है भाई गलत हो रहा है ये देखो यहां पर 850 में वही संख्या जुड़ रही है जो उसके नंबर्स को जोड़कर आ रही थी ठीक है यहां पे वही जुड़ रहा है जो उसके नंबर्स को ऐड करके आ रहा था मतलब 430 में भी वही जुड़ेगा जो इसके नंबर्स को आपस में जोड़ने पर आएगा सात जुड़ेगा तो चार हो जाएगा यानी पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट मतलब तेरा नहीं है ऑप्शन में तो बारह ही सही बारह ही जोड़ के आंसर लगा दिया है ना ऐसे थोड़ी होता है तुम लोग का रीजनिंग करने का तरीका सही है आंसर आना चाहिए बस कैसे भी आए है ना हमें तो आंसर देने से मतलब है ऐसा मत करिएगा ठीक है थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए चलो अगले वाले पे आ जाते हैं सिंफनी कंपोजर जो भी रिलेशन है आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा चेक करो एक बार सभी लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दो यार ठीक है सबके सामने बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना अभी मैं सबके सामने बोल दूंगी अभी कुछ भी उल्टा सीधा तो बताओ बेज्जती हो जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे इसलिए आपस में बातचीत नहीं करें पढ़ने का टाइम है आधे घंटे पढ़ो है ना उसके बाद करते रहना तुम लोग के पास कोई काम थोड़ी है दिन भर यही तो काम है चले जो लोग बेचारे पढ़ने आए उनको तो पढ़ने दो हो गया देखो यहां पर पहला ऑप्शन बता रहे हो आप लोग पहली बात तो लियोनार्डो जो है वो पेंटिंग से संबंधित है म्यूजिक से संबंधित है ही नहीं सेकेंड वाला ऑप्शन सही है सिंफनी इज अ टाइप ऑफ कंपोजर जो लोग म्यूजिक में कंपोजिंग वगैरह करते हैं ना उनको सिंफनी बोलते हैं ठीक है थीके? तो जो पेंटर्स होते हैं जो वॉलपेपर पेंटिंग करते हैं वाटर पेंटिंग्स करते हैं उनको फ्रेस्को पेंटर बोलते हैं इसीलिए रिलेटेड है तो सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है वेरी गुड चलो इसको भी एक बार ट्राई करें जल्दी जल्दी लाइक कर दो ताकि और लोगों तक भी अपना वीडियो का लिंक पहुंच जाए सबको पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है कुछ लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे ना कि नोटिफिकेशन आएगा तभी जाएंगे क्लास में तो कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हमें ऐसे ही क्लास में ज्वाइन करना चाहिए है ना तो बताइए भाई इसका जवाब क्या है देखो सबसे पहले आप लोगों ने यहां पे मान लीजिए ऐड करा सबसे पहले तो आप ऐड करने का ही लॉजिक लगा इक्यावन आए अब आप सोच रहे हैं इक्यावन से सत्रह लाने का एक ही तरीका बिल्कुल सही तरीका तीन से डिवाइड हो रहा है ठीक है है ना ठीक तो यहां पर भी अगर हम बात करें तीन से डिवाइड कर दीजिए ऐड करके तीन से डिवाइड करना है ठीक है भाई जो भी वैल्यू आए उसको तीन से विभाजित कर दीजिए ओके तो यहां पर आप लोग क्या करें जोड़े पहले तो आएगा आप लोग का जोड़ने के बाद कितना आ रहा है एक मिनट 84 ठीक है उसको आप तीन से विभाजित करोगे तो अट्ठाइस यहां तक समझ में आ गया क्लियर है हाँ डी ऑप्शन इसमें है अट्ठाइस आएगा बिल्कुल तीन से विभाजित करना है सभी को जोड़ने के बाद ठीक हाँ डी वाला है बिल्कुल सही है चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं हम लोग इसको बताइएगा भाई नमस्ते नमस्ते गुड इवनिंग नमस्ते बन गया चलो देखो यहां पर आप इन सभी लेटर्स को जोड़ते तो आता आपका 26 26 नंबर का लेटर लिखा हुआ है पे आगे भी अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा 24 24 नंबर का लेटर है एक्स ठीक है 24 नंबर का लेटर सी वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है ना चलो इस वाले को बताइए ये एक सीरीज चल रही है इस सीरीज में यहाँ पर अगला जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा चेक करिएगा एक बार से वाई नहीं आ रहा है चौबीस आ रहा था वाई तो पच्चीस होता है चौबीस नंबर का लेटर एक्स होता है ठीक है वाई आपका पच्चीस होता है हो गया देखो भाई ये सारे इंग्लिश लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स, अगर आपका हिंदी लिखा होता तो हम कोई दूसरा पैटर्न लगाते ठीक है तो यहां सारे इंग्लिश लेटर्स लिखे यानी कोई ना कोई लेटर यहां पे देखो ध्यान से जो कि बदल रहा है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है ठीक है तो यू की पोजिशन अगली बार छठवें नंबर पर आना चाहिए तो ये पहले वाले ऑप्शन में आ रहा था बाकी किसी में नहीं था ठीक हाँ यू की पोजिशन चेंज हो रही थी बिल्कुल तो अगला वाला ट्राई करें इस वाले को बताइए भाई हाँ चेक करो अब देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाते हैं मल्टीप्लाई करके जो बड़ी संख्या है उसके बराबर आएगा लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है बारह तीन चार दो इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें दो वहां पे भी दो लास्ट वाले में भी 288 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है टू से ठीक है ओके तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड, दो से मल्टीप्लाई करने पर यहां पे ऑप्शन नंबर टू आ रहा है ठीक है इसको चेक करो भाई हो गया देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट एक कथन दिया गया था आप लोगों को जिसमें लिखा था मनी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स है ना मनी जो है पैसा जो है वो राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ठीक है मान लेते हैं वही स्टेटमेंट में लिखा है तो क्या ये वाली बात सही है देखो यहां एक शब्द आ रहा है जो मैंने आपको हमेशा बताया कि इस तरीके के शब्द गलत होते हैं इसको हम कभी राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ड्स है जो कि ऑलवेज रॉन्ग होगा ऑल लिखा है तो वैसे भी गलत हो गया भाई सारे के सारे अमीर आदमी पॉलिटिक्स में पार्ट लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है तो जब भी भी कोई एम्फेटिक वर्ड्स दिए जा रहे हैं ओनली दिया जा रहा है ऑल दिया जा रहा है ऑलवेज दिया जा रहा है सो देर फोर ईच एवरी ऑल ठीक है ऑलवेज नेवर तो उसको आप गलत कर दीजिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी फिक्स नहीं पता है कंफर्म नहीं पता है हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट को देखकर ही आंसर टिक कर रहे हैं तो टू वाला नहीं दोनों गलत है यहाँ पे एक भी नहीं बनेगा ठीक है चलो नेक्स्ट वन एक बार ट्राई करें इस तरीके का ऑप्शन कौन सा होगा चेक करिए एक बार हो गया देखो यहां पर आया था 25 जोड़कर तो नहीं आ रहा है ना भाई घटा के देख सकते हैं डिफरेंस लेकर है ना देखो यहां पे अगर हमने घटाया तो ये आया 20 20 में अगर पांच जोड़ दिया तो 25 मिडिल वाली वैल्यू रही ठीक है 20 में से यहां पे भी 10 घटाया तो 10 आया प्लस पांच जोड़कर 15 यानी कि पहले तो डिफरेंस लिया और फिर 5 ऐड कर दिया तो ये पहला वाला बनेगा इसमें सी वाला नहीं है पहला वाला है सी वाला तो वैसे भी नहीं बन रहा है क्योंकि सी वाले में छब्बीस लिखा हुआ है बीच में ठीक है ओके नेक्स्ट वाले पे आओ चलो भाई इसको करिए लाइट बराबर लिखा है और यहां पर सेम ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा चेक करना एक बार लाइट का अगर यहां पे रिलेशन ल्यूमेन के साथ है तो यहां पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल मैच कर रहा है चेक करिए एक बार ल्यूमेन लाइट का यूनिट होता है है ना तो टेम्परेचर का यूनिट तो कैलविन होता है ना भैया टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन. तो ये तो गलत है ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा डेंसिटी वाला भी गलत है प्रेशर का यूनिट पास करे ये वाला करेक्ट है जबकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है यहाँ पे जो कि पहला वाला नहीं है तीसरा वाला है बताओ पहला वाला बता रहे थे कैसे हो यार तुम लोग को पता नहीं है टेम्परेचर का यूनिट अभी तक नहीं मालूम पड़ पाए भगवान है ना क्या कर रहे हो तुम लोग कैंडेला थोड़ी होता है टेम्परेचर का यूनिट चलो इसको बताओ इसमें आपको ये बताना था कि अलग वाला ऑप्शन कौन सा है स्टैटिक जीके तो कम से कम गलत मत करिए आप लोग स्टैटिक वाले गलत कर रहे हो चलो इसमें बताइए एक ऑप्शन है जो डिफरेंट है सारे लेटर्स में से एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है कौन सा है चेक करिएगा बी का अपोजिट डब्ल्यू आ रहा है एच का एस आई का उल्टा आर है एम का उल्टा एन होता है अपोजिट एड्रेस लिखे थे एफ का उल्टा यू होता है जे का उल्टा क्यू और लेकिन यहां पर आपका मैच नहीं कर रहा अपोजिट वर्ड्स क्योंकि ई का जो अपोजिट होता है वो वी ठीक है चलो नेक्स्ट ऑप्शन इस वाले को ट्राई करें हो गया चलो ऐसा लग रहा होगा कि इन दोनों को जोड़कर यहां पे सत्तर आ रहा है लेकिन फिर जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एटी फोर नहीं आएगा यानी कि लॉजिक ये वाला गलत है ठीक तो है 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 तो हो सकता कि यहां पे कोई दूसरा लॉजिक आ रहा है। ऐसे आ सकता है कि माइनस करा आपने इसको ठीक है माइनस करके आया आपका वैल्यू यहां पे थर्टी फाइव थर्टी फाइव का डबल करके लिखा है यहां पे ये यह जो वैल्यू लिखी है है ना यानी कि इनका डिफरेंस लेना है और डबल करके ये वैल्यू आएगी तो पहले और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस लेकर डबल कर दीजिए दुगना कर दीजिए तो 130 आएगा 140 नहीं आएगा मतलब सभी लोग तुक्का लगा रहे थे है ना चलिए ढंग से निकालने की कोशिश करोगे तो निकलेगा है ना अलतू फालतू कमेंट्स बाजी में लगे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है टाइम भी वेस्ट हो रहा है और सब कुछ ठीक है तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो चलो इसको बताओ हो गया देखिए जितने भी नंबर्स लिखे ना वो डिवाइड करके कोई ना कोई वैल्यू तो आती है जैसे वन को टू से डिवाइड करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा ना वन को फोर से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आ जाएगा वन को फाइव से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट टू आएगा कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी हमें ठीक है लेकिन अगर हम एक को तीन से विभाजित करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी जीरो पॉइंट थ्री 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 बार चलता ही जाएगा इंफिनिटी तक यानी ये नंबर ऐसा है जो रिपीटिंग है रेकरिंग नंबर है मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो डेसिमल नंबर रेकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर वो है इसमें से इवन नंबर कौन सा है भाई कोई नहीं है इवन नंबर इवन नंबर दो चार छ आठ ये होते हैं वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाय फोर ये कब से इवन नंबर होने लगे कुछ भी चलिए नेक्स्ट वन इसको बताना भाई हो गया ये तुम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हो यार कुछ लोग कह रहे हैं ये प्राइम नंबर है भाई प्राइम नंबर तो टू थ्री फाइव होता है ना प्राइम नंबर ये तो वन बाई टू लिखा है वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव यहाँ पे प्राइम नंबर कैसे हो सकता है ना ही कोई इवन नंबर होगा ना ही कोई प्राइम नंबर तुम लोग का मैथ्स तो लग रहा है एकदम ही माइनस लेवल में चल रहा है भाई एक बटे दो एक एक बटा पांच ये प्राइम नंबर कब से हो गए भाई प्राइम नंबर ये होते हैं ना कि ये होते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो रीजनिंग है इसका मतलब कुछ भी लॉजिक लगाओगे ऐसे थोड़ी रीजनिंग में मैथ्स पे डिपेंड करता है और मैथ्स रीजनिंग पे डिपेंड करता है ठीक है थोड़ा सही लॉजिक लगाइए कुछ भी लगा रहे हैं चलिए यहाँ पे लिखा था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्लाई वर्ड्स कैन फ्लाई ऑन स्काई ना आसमान आना चाहिए था बट कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे स्काई की कोडिंग अर्थ है तो हमें यहां पे अर्थ पे टिक करना है स्काई पे नहीं ठीक है हो गया ये वाला चले अगला क्वेश्चन करते हैं भाई अगले वाले पे आइएगा चलो यहाँ पे ट्राइंगल्स बताना कल ही पढ़ा था हम लोगों ने इस तरीके का ट्राइंगल एक सॉल्व भी किया था कल ही बिल्कुल सेम टू सेम और इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या है गलत मत करिएगा ठीक है चेक करो कल पढ़ा था ना इसमें तो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके का ट्राइंगल एक पढ़ा था सेम टू सेम हो गया सोलह आ रहा है तो गलत है ठीक है भाई ओके चले, अब इसको सीखते हैं यहां से वन मिलेगा हमें यहां से भी हमें वन मिलेगा ठीक है और देखो सिंगल सिंगल गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है तो छह यहां पर हो गए उसके बाद तीन हमें यहां से मिल जाएंगे

और एक हमारा ऐसे बन जाएगा और एक इसी के सामने चार और बन गया अठारह आएगा यहाँ पे सोलह नहीं होगा एटीन होगा हाँ अठारह पक्का बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कल करा था इसी वाले सेशन पे राइट चलिए तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते फटाफट -फड़ से ये बताइए इसको सही सिक्वेंस में आपको लगाना है ठीक है इसको आपको सही सिक्वेंस में चेक करना है कि क्या आना चाहिए चेक करिए एक बार हो गया सबसे पहले मिट्टी मिट्टी से बनती है ईटे ईटे से बनती है दीवार दीवार से एक कमरा और देन हाउस तो ये जो सही ऑर्डर है आप लोग का ठीक है वो आपका आता है सी वाले ऑप्शन में ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे आइए हो गया चलो बन गया चेक करें चलो भाई यहां पे लिखा है कि भाई इनके मिस्टर के परिवार में एक तो ये खुद है और उनकी वाइफ है दो लोग दो विवाहित भाई यानी चार लोग वो हो जाएंगे एक भाई के दो बच्चे एक के कोई भी नहीं तो यानी कि ये हो गया आपका टोटल यहां पे परिवार में जो सदस्य आएंगे वो आठ ठीक है ये तो इजी था इसको गलत मत करिएगा है ना चलो देन हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर ये भी बताओ भाई ऑर्डर रैंकिंग आप लोग को बेसिक से बहुत बताया गया है इस वाले सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है यहाँ पे टोटल कितनी किताबें हैं एक बार चेक करिए इस वाले को कितना बन रहा है फिर इसको सरल तरीके से करते हैं हम लोग चेक करना है यहाँ पे कितने आ रहे हैं बना लिया कितना आ रहा भाई अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया इस वाले सवाल में चलिए तो पारुल जी का एक भी नहीं आया अभी करेक्ट नहीं आया किसी का भी चलिए भुवनेश भाई का आया है सुमित्रा जी का आया है चलो इन लोगों का सही है ठीक है बाकी अभी तक किसी का भी सही नहीं आया एक का भी सु सुमन का भी सही है, है ना कुंदन भाई का ठीक है लेकिन चौंतीस में से एक माइनस करना भूल गए लगता है आप लोग है ना बाकी सभी का गलत है दो चार लोगों को छोड़ के सबका गलत ही है बढ़िया 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 चले करें अब देखो भाई इसमें कैसे करना है देखते हैं सबसे पहले लिखा था पुस्तकों की किताब में लेफ्ट साइड से ये देखो एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से आपकी इंग्लिश की किताब सोलवे नंबर पे लिखी है सवाल में लिखा है मैंने कुछ नहीं किया ठीक है और गणित की किताब दाहिने छोर से उस तरफ से राइट हैंड साइड से बारह पर इतना सवाल में दे रखा था पहले से और भी दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है कि मैथ्स की किताब जो है यानी ये वाली जो किताब है मैथ्स की वो अंग्रेजी पुस्तक के दाई पर छठवी है इसके दाहिने तरफ भाई राइट तो इधर पड़ता है राइट हम जाते हैं तो आगे जाते हैं लेफ्ट आते हैं तो पीछे जाते हैं ठीक है तो इंग्लिश की किताब के राइट साइड पर छठवें नंबर पर मैथ्स की किताब है मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर कोई एरो से आगे की तरफ है तो उसकी रैंक में हम जोड़ेंगे पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस करेंगे सोलह में छह रैंक आगे था यानी मैथ्स की किताब बाईसवें नंबर पर होगी ट्वेल्थ ट्वेंटी टू पर ठीक है वो भी कहां से लेफ्ट साइड से अब देखो भाई हमें यहां पर कई बार पढ़ा है हर सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल निकालने के लिए क्या करें किसी भी एक सदस्य की या किसी भी एक की लेफ्ट वाली राइट वाली रैंक रैंक राइट जोड़ दें माइनस वन कर यानी कि मैथ्स की हमें राइट वाली रैंक पहले से पता है सवाल में दे रखी थी लेफ्ट वाली हमने निकाल ली है ठीक है अब दोनों को जोड़ देते हैं अगर और माइनस वन कर दे तो हमारे पास इस लाइन में टोटल कितनी किताबें हैं ये पता चल जाएगा ठीक है तो आपके पास यहां पर आना चाहिए तेतीस चौंतीस वन करना भूल गए बस इतना गलत हुआ लेकिन सवाल तो पूरा ही गलत होगा ठीक है है ना मैथ्स ये हमारा वैसा वाला पेपर तो है नहीं कि हमें आ, पूरे नंबर में से आधे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि हमारा आधा सही था ये तो आपका ऑप्शनल है तो भाई पूरा ही कटेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपको पता है एसएससी के सभी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होता है और रेलवे वाले में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होता है ठीक है ओके सो so, आपका जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था कितना 33. अभी समझ में आया कहा गलती हुई माइनस वन करना ना भूलें क्योंकि मैथ्स की किताब को हमने यहाँ पे दो बार काउंट किया है लेफ्ट और राइट उसी की रैंक है ना एक किताब को एक बार काउंट करना है ठीक है कोई बात नहीं ठीक है तो यहां गलती हुई है आगे से चेक कर लीजिएगा आप लोग गलती नहीं होनी चाहिए देख लो एक बार स्क्रीन लेना है स्क्रीन ले सकते हैं गलत मत करना बस एग्जाम में है ना इतना ध्यान रखें कि टोटल निकालने के लिए हमें हमेशा लेफ्ट वाले रैंकिंग और राइट वाले रैंकिंग दोनों को ऐड करने का माइनस वन करना है उसके बाद ठीक है इसका आंसर बताइए हाँ सभी में होता है सभी में होता है नेगेटिव मार्किंग तो सभी में होता है ठीक है बताया तो था मैंने आप लोग नेगेटिव मार्किंग आप लोग के हर एग्जाम्स में है ठीक है चले इस वाले को बताइएगा भाई जल्दी से अठहत्तर कैसे आया पहले चेक करो पहले ये सोचा करो कि ये जो नंबर आ रहा है वो आता कब से है कैसे आता है अठहत्तर तभी आता है जब हम तेरह का मल्टीप्लाई छह से करते हैं तेरह का टेबल तो सबको पता है ना भाई ठीक है हाँ तो भाई यहां पर आपने जोड़ दिया जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास अठहत्तर आ गया यहां पर भी आप एड करो फिर मल्टीप्लाई करो यहां पे भी आप ऐड करो एंड देन मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो आप लोग के पास आएगा जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करके एक सौ इकसठ आएगा वन सिक्सटी वन ठीक है आए समझ में यहां तक लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी लोग फाइव हंड्रेड प्लस लोग लाइव देख रहे हैं सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एवरी वन हाँ ये वाला क्लास हम रोज इसी टाइम पे करते हैं रात के नौ बजे से दस बजे तक ठीक है चलो अगला ये तो कॉपी पेस्ट वाला है यहां पे बताना इसको ठीक है बन गया डॉग का साइंटिफिक नेम लिखा था कैट का भी साइंटिफिक नेम लिखा है यहाँ पे ठीक है है ना तो आप लोग का यहाँ पर आएगा सी वाला ठीक है चलो इसको चेक करो भाई यहां पर कितना बन रहा है कौन सा अलग वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे चेक करिएगा एक बार से सभी लोग एक ही है जो डिफरेंट है सारे उसके हेडक्वार्टर्स के नाम साथ में लिखे कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है वो बताना था इसरो गलत है ना इसरो रशिया गलत है कॉम्बिनेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं इस वाले को बताइएगा भाई हाँ कैट का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था फैलिस होता है हाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या यानी क्यूब लिखा है तो एस का नाइनटीन का क्यूब यहां पे आ जाएगा आपका भी मतलब बाईस बाईस का क्यूब लिख दीजिए 22 होगा वन जीरो सिक्स फोर एट सी ऑप्शन ठीक है चलिए आगे बताइएगा इसको बताइए लिवर लंग्स किडनी एंड ईयर एक ही है यहां पर जो ऑप्शन डिफरेंट वाला है ऐसे वाले क्वेश्चन में तो पता है ना इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन वाला हम लोग लॉजिक लगाते हैं सबसे पहले ठीक है तो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स आपके इंटरनल वाले हैं सेकेंड वाले को छोड़ के ठीक इस वाले में चेक करिएगा अलास्ट वाले को छोड़ के ईयर को छोड़ के बाकी सारे आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं सबको जोड़कर पंद्रह आ रहा है यहां पे भी आप लोग का सभी को जोड़कर नंबर्स को फिफ्टीन यहां पे भी सभी को जोड़कर पंद्रह तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सभी नंबर्स को जोड़कर फिफ्टीन आ जाए एडिशन में तो आपके पास यहां पे पंद्रह ही होगा ठीक है पंद्रह फिफ्टीन चलो ये वाले में Done. देखो सारे अपोजिट लेटर्स लिखे थे ना यहाँ पे D का अपोजिट ये लिखा है आपका M का अपोजिट यहाँ लिखा है F का अपोजिट यहाँ लिखा है बस ये वाला गलत था K का अपोजिट P लेटर होता है जिसकी प्लेस वैल्यू 16 होती है 16, ठीक तो ये आप लोग का गलत होगा हाँ गलत मतलब अलग इसको चेक करें देखिए जो आपकी होती है, वो होती वो मैमल ठीक और आपका सांप होता है रेप्टाइल्स मैमल के अंदर नहीं आते सांप रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं तो इसका तो पहला वाला ऑप्शन बनना चाहिए फर्स्ट वाला ठीक ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं इसको बताइए भाई हो गया जोड़ा आप लोगों ने लेटर्स का प्लेस वैल्यू तो लिखते सबसे पहले बड़े बड़े नंबर है हमें एटीन लाना है तो मैंने कहा था डिजिटल सम करके देख सकते हैं आप लोग ना इसमें आप डिजिटल सम करते तो आ जाता है आप लोग के पास ठीक है डिजिटल सम करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे अठारह ठीक ओके इसको भी कर लो भाई ये जितने भी नंबर्स हैं उसका प्लेस वैल्यू हमने लिखा सभी को ऐड करा तो हमारे पास थर्टीन आएगा डिजिटल सम करने के बाद फोर्टीन गलत है थर्टीन सही है ओके चल इस वाले को बताएं स्टेटमेंट इन एजम्पन ऑल द पीपल इन द केरला आर लिटरेट केरल में सभी लोग साक्षर हैं साक्षर मतलब पढ़े लिखे ठीक है तो हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं चेक करें हो गया ठीक है भाई पहला वाला तो लगा सकते हैं पढ़े लिखे होने का तो लगाया जा सकता है लेकिन सभी लोगों के मेहनती होने का एजम्सन नहीं लगाया जा सकता ठीक है चलो इसको बताइए भाई यहां पर कितने रेक्टेंगल्स हैं आपके पास चेक करें एक बार रेक्टेंगल्स का ट्रिक भी अभी कल परसों में सिखाया था निकाल दो तुरंत से। जितने रो और कॉलम होते हैं हम उसे क्या करते हैं सबसे पहले ऐड कर लेते हैं ना यहां पर हमने ऐड करा नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे हमने ऐड करा नंबर ऑफ कॉलम्स को ठीक है यहां से पंद्रह आया यहाँ से दस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेंगे यहां पर डेढ़ सौ रेक्टेंगल्स वन हंड्रेड फिफ्टी ठीक है चलो इसको बताइएगा भाई चलो सबसे पहले आप लोग का बनेगा बीज बीज से बनेगा पेड़ पेड़ से बनेगी लकड़ी लकड़ी से कागज एंड कागज से किताब ये ऑप्शन होना चाहिए पहला वाला ही है फर्स्ट वाला डी वाला नहीं है फर्स्ट वाला है पहले लकड़ी नहीं पहले बीज ठीक इसको बताइए यहाँ पर एफ एल ओ पी का कोड दे रखा है वन बाय थ्री तो मैक्सिमम का कोड क्या दे दिया जाएगा चेक करना एक बार हो गया वन बाई थ्री दिया है, तो इसका पैटर्न तो मैंने बताया था आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे करते हैं वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेट्स कॉन्सोनेट्स अपॉन टोटल लेटर्स वोवेल्स अपॉन टोटल लेटर्स ऐसे कर सकते हैं हम लोग बताया था ना तो आप इसमें निकाल दीजिए भाई ठीक है चलो यहां पर अगर हम बात करें तो तीन हमारे पास वॉवेल्स हैं चार हमारे पास कॉन्सोनेट्स हैं अपॉन फोर होगा इसमें ठीक है बिल्कुल चलिए एक और ट्राई करते हैं यहाँ पे इस वाले को भी बताइए तो हमने किया था सुबह वाले सेशन में है ना चलो ये वाला बताना हो गया चलिए देखिए यहां पर आपका आ रहा है इंटू फोर डबल ऐसा भी तो रहा है डबल आ रहा है यहां पे है ना जस्ट डबल ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर जस्ट डबल लिखा हुआ है तो इसको देखकर आप लोग यहां पर लगा सकते हैं नहीं ऐसे नहीं ये वाला नहीं आएगा देखो यहां पे ऐसे लग रहा है इंटू फोर और इंटू एट है ना इंटू फोर एंड इंटू एट तो ये सेकेंड वाला होगा सेकेंड वाला इंटू फोर और इंटू एट वाला जो पैटर्न बन रहा है वो सेकेंड वाला बन रहा है ग्यारह का गुणा चार से करने पर आ रहा है 44, का गुणा से करने पर आ रहा है, है आपका आठ का गुणा चार से करने पर आ रहा है बत्तीस और आठ का गुणा ही आठ से करने पर आ रहा है सिक्सटी फोर यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है ठीक सही मतलब की लॉजिक में लग रहा है, है ना सेकेंड वाला ठीक है तीसरे वाले में थोड़ा मिस हो गया चलो ये वाला बताइएगा भाई कैलेंडर तो पढ़ चुके अपन तो इसको चेक करें लाइक भी कर दीजिएगा सारे लोग सेशन को कोडिंग डिकोडिंग का सेशन कल है बचे कल कल नौ बजे से रात को कल नौ बजे से ठीक कोडिंग डिकोडिंग का जो सेशन है वो कल रात को नौ बजे से इसी चैनल पर जो हम लोग डेली करते हैं कल रहेगा रात के नौ बजे के टाइमिंग पे हो गया ये भी तो लीप ईयर है बिल्कुल 1988 इज आल्सो अ ईयर बिकॉज ये चार से डिवाइड होता है आपका ठीक है ध्यान से सोच समझ के सारे ऑप्शंस को करिए इस वाले को देखो भाई कैनेडा का करेंसी लिखाता है यहाँ पे और घाना का करेंसी होता है सीए वाला ऑप्शन क्या ठीक है कंट्रीज करेंसी उनके कैपिटल्स याद करके रखो ये बताएगा भाई लॉजिकल वेन डायग्राम्स पढ़ रखा है हम लोगों ने मैन फादर एंड लॉयर का लॉजिकल वेन डायग्राम्स कैसे बनेगा चेक करिए हो गया देखिए ऑल मैन करा हुआ है हम लोगों ने जितने भी फादर हैं सभी मैन के अंदर आएंगे सीधा फॉलो करेगा उल्टा फॉलो करता नहीं है बिल्कुल सही लॉयर का पार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा नहीं आप सभी लोग गलत बता रहे हैं सी वाला आंसर नहीं है इसका डी वाला आंसर है डी तो कोई बता ही नहीं रहा था ए और बी बता रहे हैं पता नहीं क्या क्या ए वाले तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं डी ऑप्शन है इसका ना बी है और ना ही ए है ठीक है क्योंकि लॉयर गर्ल्स भी तो हो सकती हैं लड़कियां भी हो सकती हैं तो लॉयर के पार्ट को बाहर करना होगा ठीक है तो आप लोग जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं डी वाला होगा और पहला वाला तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर सारे फादर मैन के ही अंदर आएंगे फादर और मैन को अलग अलग नहीं कर सकते ठीक है फिर वो गलत हो जाएगा कोई बात नहीं गलतियां होती रहती हैं आगे नहीं होनी चाहिए बस दोबारा गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए ये वाला बताएगा भाई कैलेंडर पर रखा है ये आप आराम से कर सकते हो इस सवाल को ग्यारह तारीख को है आपका शनिवार तीस तारीख को कौन सा दिन होगा चेक करिए भाई हो गया चलिए मैंने क्या कहा था आपसे हर दिन आपका सेवन डेज के बाद ही रिपीट होता है बोला था तो सात जोड़ दीजिए अठारह को भी सैटरडे ही पड़ेगा फिर से सात जोड़िए पच्चीस तारीख को भी सैटरडे पड़ेगा सवाल के हिसाब से लेकिन यहाँ तीस तारीख का दिन पूछा थर्टीएथ का पांच दिन इधर जुड़ रहे हैं तो पांच इधर भी जोड़ दीजिए सैटरडे में पांच जुड़ेंगे गुरुवार आएगा थर्सडे ठीक है थर्सडे विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ट्यूजडे गलत है थर्सडे सही है ओके चलो ठीक है बहुत सारे सवाल कर लिए थे आज तो चालीस 45 से भी ज्यादा सवाल हो गए हमारे इस वाले को बताइए सिक्स का अपोजिट तुरंत देखते इसमें पेन की भी कोई जरूरत नहीं हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है डाइज वाला चैप्टर पासे वाला सवाल वन कॉमन है ना बस उसी का अपोजिट वही नंबर होगा जो यहां पे मिसिंग है फाइव थ्री टू फोर नहीं हो सकता तो वन का क्या होगा सिक्स होगा सिक्स का क्या होगा वन ठीक है चलो है ना सो so, यहां पर अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर अब आप कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा इस क्लास के खत्म होने के बाद ठीक है जो भी आंसर है आप लोग इसका कमेंट सेक्शन पे बताना है ना बाकी अगली क्लास नेक्स्ट क्लास कल करेंगे नाइन पी एंड मॉर्निंग में टेन ए करते हैं अनअकेडमी की जो आपकी क्लासेस हैं वो अपने टाइम पर चल रही हैं सारी क्लासेस अभी और भी सही हो गया है एक दो दिन में और भी आपका इंटरफेस सही हो जाएगा आप सब ज्वाइन करिए ठीक है साढ़े दस पे ग्यारह पे आपका नेट सही होगा तो आपकी क्लास बिल्कुल सही तरीके से चलेगी बारह बजे कल भी क्लासेस हैं सारी ये आपकी अन अकेडमी वाली फ्री क्लासेस ये आपकी यूट्यूब वाली ओके इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा है ना ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं मैराथन की ज़रूरत नहीं है भाई ठीक है दिन में चार चार पांच पांच क्लासेस होती हैं है ना उन सबको कर लोगे वो एक मैराथन के बराबर ही ठीक है ज़रूरत नहीं और अगर आप अन अकेडमी की क्लासेस करें कोई अभी बोल रहा था जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे यहाँ पे कि ये आ, हमारे पास किताब नहीं है तो आप अन अकेडमी की क्लासेस में क्लास करोगे वहां किताब की जरूरत नहीं है आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं वो भी पोल टेस्ट के साथ किताब की जरूरत ही नहीं है हमें ठीक है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से आप लोग प्रैक्टिस सेट दे सकते हो डेली तीस तीस पच्चीस पच्चीस सवाल हम लोग हर क्लास में करते हैं आधे घंटे के अंदर ठीक है तो वहां पे हमें कोई जरूरत नहीं है किताब लेने की आप अन अकेडमी के फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हैं ओके एवरी वन सो गाइज यहां पर हमारे साथ जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हुए हैं आज से ही सफलता बैच हमारा ठीक है आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर के लिए बैच स्टार्ट हुआ है ठीक है और फाउंडेशन बैच आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर के लिए ग्यारह तारीख से रफ्तार बैच रेलवे के लिए जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली इस बैच में जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पे बैच स्टार्ट हुआ है ठीक है और इसके अलावा एस की जो अपकमिंग एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की प्री और मीनस की तो यहाँ पर ये वाला बैच आपका स्टार्ट हुआ है तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं ठीक है ये देख सकते हो ऑल इंडिया रैंकर्स बैच में आपके सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं ठीक है और आपको अन अकेडमी के नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ठीक है सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप लोग के पास यहां पर कोड है जिसको लगा करके आप यहां पर रितिका टेन कोड लगा के आप सब्सक्राइब अपना कर सकते हैं ठीक है ना ओके सो so, यहाँ पे ये कोड लगाओगे तो अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिलेगा ठीक है ओके सो रितिका टेन कोड विदाउट स्पेस इस क्लास को कल रात में कंटिन्यू करते हैं ठीक है ना चले ओके एवरी वन सेशन को जाने से पहले सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू एवरी वन